गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडीड अबाउट होल नंबर। सो यू नो दैट अबाउट होल नंबर इन अर्लियर क्लासेस, बट हियर वी रिवाइज अगेन। तो होल नंबर होता क्या है? होल नंबर से पहले आपको जानिए कि नेचुरल नंबर और फिर आता है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर ए नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम वन, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 4, ठीक है ना, एंडलेस है, चाहे आप उसको जहां तक देख सकें। ऐसे ही होल नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड 4। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है केवल जीरो का। तो जीरो जो है वो होल नंबर और नेचुरल नंबर को डिफरेंशिएट करती है। दैट मींस कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। अब हम इसके बाद बात करेंगे प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रीडिसेसर और सक्सेसर, प्रीडिसेसर क्या होता है? जितने भी आपके ये होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स या नेचुरल नंबर से में जब हम एक नंबर ऐड करते हैं, वन ऐड करते हैं, यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर अपने पीछे वाले नंबर का सक्सेसर होता है। प्रत्येक जैसे 2 जो है 1 का सक्सेसर है, 3 जो है 2 का सक्सेसर है, 4 जो है 3 का सक्सेसर है। यानी किसी भी नंबर में, सपोज दैट कोई नंबर है 232, तो 232 का यदि हमें सक्सेसर लिखना है तो क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 232। तो सक्सेसर का मतलब किसी भी नंबर का जो उससे वन उस नंबर में ऐड करने पे जो नंबर प्राप्त होता है वो नंबर कहलाता है सक्सेसर। प्रेडिसेसर किसी भी नंबर का जो जस्ट एक पीछे वाला नंबर होता है वो कहलाता है प्रेडिसेसर। जैसे कि हम एक नंबर लाइन के नंबर शो करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 2, 2 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 3। यानी कि प्रत्येक जो पीछे वाला नंबर जो होता है वो प्रेडिसर होता है, प्रेडिसेसर होता है, और जो किसी भी नंबर के जस्ट आगे वाला जो नंबर होता है वो उसका सक्सेसर होता है, ठीक है। अब 0, 1 का प्रेडिसेसर क्या होता है? 0। और 0 से जितने भी नंबर पहले होते हैं, यानी कि जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं, वो सारे के सारे नंबर 0 से छोटे होते हैं, और जितने भी 0 के राइट हैंड में, यानी 0, 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर होते हैं, वो सब के सब 0 से बड़े होते हैं। यानी हम एक यदि नंबर लाइन पे ही बात करें तो एक नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन में 0, 1, 2, 3, 4 और इधर है -1, -2, -3। तो इस 0 से राइट हैंड में जितने नंबर होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, और इसके लेफ्ट में जितने होंगे वो सारे के सारे निगेटिव होंगे। तो जितने भी नंबर 0 से लेफ्ट में होते हैं वो सभी नंबर 0 से छोटे होते हैं, और जितने नंबर 0 के राइट में होते हैं वो सभी नंबर 0 से बड़े होते हैं। नाउ वी स्टडीड अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का हम यूज करके किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये भी आपका नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन 0, 1, 2, 3,
थ्री ऐड करना है, थ्री में भी हमें टू ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जीरो से चलेंगे थ्री तक, जीरो टू वन, वन टू टू, टू टू थ्री, जीरो टू थ्री हो गया। अब इसके बाद हमें प्लस क्या करना है, टू। तो जब भी हमें प्लस करना है तो हम राइट हैंड की तरफ एक्सटेंड करेंगे, वन टू, तो ये इस तरह से आप इसमें ऐसे एरो लगा दो, ये एरो शो करता है कि हम राइट की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप ऐड करिए, तो ये लास्ट एरो जो है हमारा फाइव पे आता है, तो थ्री प्लस टू हो गया फाइव, ठीक है। इसी प्रकार से हमें यदि सब्ट्रैक्शन नहीं करना है तो कैसे करें, मान हमें सब्ट्रैक्शन करना है, थ्री माइनस टू को यदि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले थ्री दिया, तो जीरो से हम कहाँ तक पहुंचेंगे, जीरो से पहुंचेंगे थ्री तक, ये आपने एरो लगा। अब थ्री से हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो जब भी हमें माइनस करना होगा तो हमें लेफ्ट की तरफ बढ़ना होगा, और जब भी हमें प्लस करना होगा तो हमें राइट की तरफ बढ़ना होगा। तो कितना लेफ्ट की तरफ हमें आना है, दो बार, तो वन टू यहाँ पर आके हमारा रुक गया। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन, ये हमारा रिजल्ट आया। तो इस प्रकार से हम नंबर लाइन पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा थ्री इंटू टू, तो थ्री इंटू टू को यदि हमें मल्टीप्लाई यदि करना होगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे थ्री से लेके टू तक, जीरो से लेके थ्री तक, ठीक है। और फिर थ्री कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, जीरो टू थ्री, एंड फिर थ्री टू, आगे का थ्री हम बढ़ाएंगे सिक्स, तो थ्री इंटू टू कितना हो गया, सिक्स हो गया। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई, थ्री इंटू टू का मतलब है कि थ्री को हम दो बार एक्सटेंड करें, एक बार जीरो टू थ्री आए, फिर यहाँ से थ्री और एक्सटेंड करें, तो ये हो जाएगा सिक्स। तो इस प्रकार से हमने नंबर लाइन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन के बारे में जाना। अब हम करते हैं एक्सरसाइज, नाउ कमिंग ऑन एक्सरसाइज 2A, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, राइट द थ्री इमीडिएट सक्सेसर ऑफ फॉलोइंग 2099, 2099 इसका आपने फाइंड करना है थ्री सक्सेसर्स। तो फर्स्ट सक्सेसर, फर्स्ट सक्सेसर क्या होगा, 2099 में प्लस करेंगे वन, ये हो जाएगा 00012, ये आ जाएगा। सेकंड सक्सेसर क्या होगा, सेकंड सक्सेसर 21000 में वन प्लस करेंगे, 21001 हो जाएगा। थर्ड सक्सेसर क्या होगा, थर्ड सक्सेसर 21001 में वन प्लस करेंगे तो 21002 हो जाएगा। ये तीन सक्सेसर हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी तरीके से आपको प्रेडिसर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर टू, टू का फर्स्ट पार्ट, टू का फर्स्ट पार्ट, टू के फर्स्ट पार्ट में आपको प्रेडिसर्स फाइंड करने हैं। टू का फर्स्ट पार्ट नंबर दिया हुआ है आपको 2001, 2001। तो प्रेडिसर्स आपको फाइंड करने के लिए फर्स्ट प्रेडिसेसर, टू डबल जीरो वन जीरो में माइनस करेंगे वन, तो 2009, ठीक है,
सेकंड प्रेडिसेसर ट्वेंटी थाउजेंड नाइन में वन माइनस करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड एट और थर्ड प्रेडिसेसर ट्वेंटी थाउजेंड एट में माइनस करेंगे वन तो ट्वेंटी थाउजेंड सेवन ये तीन प्रेडिसेसर ठीक है कितने क्या था तो इस प्रकार से सक्सेसर और प्रेडिसेसर किस प्रकार फाइंड किया जाता है ये आपने समझा ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे इसके बताएंगे कि इसके बाकी के क्वेश्चंस किस प्रकार से। थैंक यू।